अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो अच्छी तरह समझ लिए होंगे और उनको मेमोराइज भी कर लिया होगा। इन अवर टुडेज लेक्चर वी विल सी एडवांटेजेस एंड डेली यूजेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, आईसीटी एप्लीकेशन इन डेटा हैंडलिंग, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशंस इन आईसीटी, ICT applications in booking system, ICT application in banking, and impact of emerging technologies. Students, you all are familiar with this term ICT. आपने grade 6 में भी इसके बारे में पढ़ा था और आप सबको पता है कि ICT किसके लिए stand करता है और कैसे हम ICT को use करते हैं अपनी today's life में। ICT stands for information and communication technologies. यानी हम information को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग आर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ICT रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस। दीज इंक्लूड द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन एंड अदर कम्युनिकेशन मीडियम। आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन एंड आपको जो प्रिंटेड मीडियम है उसके थ्रू भी आप जो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ICT टूल्स आर यूज टू कम्युनिकेट, क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। जो ICT के टूल्स हैं और जो इसके रिसोर्सेज हैं उसको हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर, द इंटरनेट एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बाय कंप्यूटर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन जो है वो हम फिर अपनी जो क्लास का डिस्कशन सेशन है उसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि हाउ वी आर यूजिंग ICT इन दिस पैंडेमिक एरा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन योर बुक पेज एडवांटेजेस एंड डेली यूजेस ऑफ ICT डिवाइसेस। बेटा, ICT डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं उससे जो हमारी डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, उसने बहुत इम्पैक्ट किया है हमारी डेली लाइफ में और उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल, हम डेटा हैंडलिंग के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेटा हैंडलिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इसी तरह आप डेटा हैंडलिंग के लिए अपने सेल फोन्स को भी यूज़ करते हैं। नंबर 2, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन। वी ऑल हैव इन आवर होम्स डिफरेंट अप्लाइंसेज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ओवन्स एंड डिफरेंट डिवाइसेज वी आर यूजिंग इन अवर डेली लाइफ दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। इसी तरह बेटा, बुकिंग सिस्टम में भी अगर आपने कोई टिकट बुक करवाना है तो आप इजिली ICT डिवाइसेस को यूज़ करके उसको बुक करवा सकते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशंस जो हैं उसकी आप जैसे अपना डेबिट कार्ड या अपना जो है क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करते हैं और आप अपना ATM यूज़ करते हैं, दैट That is how we are using ICT devices in our banking applications. Okay, student, our next topic is ICT application in data handling. Now the question arises: What is a data handling? What is a data? Data is a collection of raw facts and figures. You all know about that. कि data क्या होता है? जब आप first time कोई भी information collect करते हैं, that is your data. And what is a data handling? Data handling is gathering and storing data and presenting it into a meaningful way. आपने data जो है वो gather भी करना है, फिर उसको store भी करना है और फिर उस data को meaningful way में आपने present करना है. That is called a data handling. स्कूल में जो एप्लीकेशंस हैं डेटा हैंडलिंग की, उसमें आपके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, स्कूल रिपोर्ट्स हैं, लाइब्रेरी कार्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, स्टूडेंट रिजल्ट्स हैं और अटेंडेंस हैं। डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है वो हम हैंडल करते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट डिवाइसेज। स्कूल में जो हम ज़्यादातर डिवाइसेज यूज़ करते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं, इसी तरह प्रिंटर्स हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर्स हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं और स्मार्ट बोर्ड्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करनी होती है तो हम कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करके डेटा को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सेंड करते हैं। इसी तरह प्रिंटर्स आपने देखे हैं
कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन को आपको हार्ड कॉपी में चाहिए होती है तो फिर आप उस इन्फॉर्मेशन की पहले सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं और फिर उसको बाय प्रिंटर्स उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बायोमेट्रिक स्कैनर्स भी बहुत सी जगह पे आप यूज़ हो रहे हैं डेटा हैंडलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में भी आपको पता है कि बायोमेट्रिक जो है मशीन है वो है और उस पर टीचर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करती हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के बारे में भी आप जानते हैं कि जब हमारे स्कूल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और या बाहर से कोई भी ग्रुप आता है और उसने इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा से स्टूडेंट्स तक कन्वे करनी होती है तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को आप तक सेंड करता है। इसी तरह बहुत से स्कूल्स में जो है स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर डेटा हैंडलिंग। तो ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं जो डेटा हैंडलिंग में यूज़ होती हैं और डिफरेंट टाइप का डेटा जो है हम इन पे हैंडल कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एप्लीकेशन इन ICT। स्टूडेंट्स एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट यू ऑल नो अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। वी नो दैट माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ अवर कंप्यूटर। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर बिल्ट इन इन अवर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल सर्किट दैट इज यूज इन इक्विपमेंट दैट एक्सेप्ट सिग्नल्स और कमांड एंड वर्क अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका प्रोग्रामेबल सर्किट है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर्ड होती हैं और जब आप किसी भी डिवाइस को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन इन द मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर की जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं सबसे पहले तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ डिवाइस विच इज़ यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा बेटा जो डेली लाइफ में हम डिफरेंट डिवाइसेस अपने होम्स में डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं इनमें आपका माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन में भी आपका जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ होता है। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, बर्गर अलार्म्स हैं, कंप्यूटर कंट्रोल ग्लास हाउसेस हैं एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं ये सारे जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल हैं। इनका फंक्शंस जो हैं वो हम माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ICT एप्लीकेशन इन बुकिंग सिस्टम। एन ऑनलाइन बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स एट एनी टाइम एंड एनी वेयर सर्विस फॉर बुकिंग एंड परचेजिंग देयर सर्विसेज डायरेक्टली यूजिंग इंटरनेट और पे थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल बस ट्रेन और एयरप्लेन टिकट्स, होटल रूम, मूवी टिकट्स एंड शॉपिंग एक्सेट्रा। बुकिंग सिस्टम में बेटा आप अगर किसी भी बस का, ट्रेन का या एयरप्लेन का टिकट जो है वो बुक करवाना चाहते हैं तो अब आप जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग बुकिंग के थ्रू जो है वो उसको बुक करवा सकते हैं और आप जो पेमेंट है वो भी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यूज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में। तो ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो ICT एप्लीकेशंस की वजह से ही पॉसिबल हुई है और इससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत इजी हो गई है कि हम अपने घर बैठ के बाय यूजिंग इंटरनेट हम जो है कोई भी टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। वो आपका बस का टिकट हो, एरोप्लेन का हो, किसी होटल रूम को आपने बुक करवाना हो या आपने कोई मूवी टिकट बुक करवाना हो या आप घर बैठे जो है वो शॉपिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ICT एप्लीकेशंस। बेटा इस पिक्चर में आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बताई गई हैं जिनके थ्रू जो है आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका PI की वेबसाइट है उसके थ्रू आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें आप पाकिस्तान रेलवे की जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट होटल्स जो होते हैं वो भी अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं जिनके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन बुकिंग जो है वो उनके रूम्स की करवा सकते हैं। ICT एप्लीकेशन इन बैंकिंग। स्टूडेंट नाउ वी सी हाउ वी यूज़ अवर ICT एप्लीकेशन इन अवर बैंकिंग। स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ATM मशीन आप सब ने देखी होगी। तो ATM जो मशीन है दैट इज एग्जांपल ऑफ ICT एप्लीकेशन विच वी यूज़ इन अवर बैंकिंग। ATM कार्ड जो है आपको अपने बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और उसके थ्रू जो है आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन जो हैं अपने कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ड्रॉ मनी, यू कैन पे यूटिलिटी बिल्स एंड यू कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू समवन एल्स अकाउंट।
और तो आप सबने बेटा एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन देखी होंगी और अपने पेरेंट्स को एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड को यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये जो है वो एक एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? थ्रू आईसीटी एप्लीकेशंस। नौ बेटा, जब हम पहले बैंक अकाउंट ओपन करते थे तो हम कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जब हम करना चाहते थे तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता था और देन वी हैव टू वेट फॉर अवर टर्न एंड देन वी कैन मेक अवर ट्रांजैक्शन। बट नाउ इन टुडेज लाइफ या इन टुडेज एरा बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन आईसीटी डिवाइसेस और बैंकिंग का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। नाउ बैंकिंग बैंक्स आर प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू देयर कस्टमर फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है और जिसके थ्रू आप अपने घर से बैठे बाय यूजिंग अ इंटरनेट आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप अपने बैंक अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन यू सी इन योर डेली रूटीन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इजी पैसा जो है वो आप सबको पता है और इसी पैसा जो एप्लीकेशन है वो भी आईसीटी की एप्लीकेशन। इस तरह जैज कैश है, ओमनी है, दीज आर ऑल द आईसीटी बेस्ड एप्लीकेशन विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। स्टूडेंट, आई होप कि अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं आईसीटी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज वो आपको समझ आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन अवर डेली लाइफ। अब हम देखेंगे कि जो आईसीटी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमारी डेली लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो रही है। हम वी ऑल नो के वी ऑल नो दैट कि आईसीटी का जो यूजेज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है हमारी डेली लाइफ में और डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज हम डेली अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए। Here we will see the devices and technologies that impact our lives in different ways. Like number one is the artificial intelligence. Okay, what is the artificial intelligence? Artificial intelligence that where computer systems are created to behave like a humans. हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेम प्लेइंग में रोबोटिक्स रोबोटिक्स इज अ बिग फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें आप इस तरह के रोबोट्स बनाते हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। और यू नो दैट कि डिफरेंट कंट्रीज में रोबोट्स को डिफरेंट काम के लिए जो है वो उनसे डिफरेंट वर्क जो है वो करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होटल्स में वो एज अ वेटर काम करते हैं। इसके अलावा मेडिकल केयर में भी जो है वो रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपकी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में देखिए अगर आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल हैं जब आप उनमें इंग्लिश में टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो फिर उसको आप अगर स्पेनिश में, जर्मन में या चाइनीज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। दीज टेक्नोलॉजी हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट इन अवर डेली लाइफ। इट इंक्लूड सेफर ट्रांसपोर्ट, आपकी ट्रांसपोर्ट जो है इस वजह से बहुत सेफ हो जाएगी। इम्प्रूव मेडिकल केयर बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। स्पीच रिकग्निशन होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकेंगे बाय यूजिंग अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक्स वेयर पार्ट ऑफ अ पर्सन बॉडी आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्सन। बायोमेट्रिक्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी का पार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। दिस पार्ट में इंक्लूड फिंगरप्रिंट्स, आई रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन एंड वॉइस रिकग्निशन। अब ये जो पार्ट है वो आपका फिंगर भी हो सकती है, आपकी आई रिकग्निशन हो सकती है, आपका फेस इंप्रेशन हो सकता है और आपकी वॉइस रिकग्निशन हो सकती है। अब बायोमेट्रिक से हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा? इससे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इम्प्रूव होगा और रिकॉर्ड कीपिंग में हमें इससे हेल्प मिलेगी। बेटा बायोमेट्रिक की एक एग्जांपल जो है वो नादरा है। फॉर एग्जांपल नादरा में जब आप कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप सबको पता है हमारे स्कूल में जो है वो बायोमेट्रिक मशीन जो है वो
बायोमेट्रिक मशीन है जिसमें फेस रिकग्निशन के थ्रू जो है वो टीचर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी अटेंडेंस को मार्क किया जाता है। तो यू डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं बायोमेट्रिक सिस्टम में, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में, जिसको हम यूज़ करके किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजन एनहेंसमेंट। विजन एनहेंसमेंट में क्या होता है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस हैं आप उनको जूम करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर हम पेपर पर उसको रख के देखें तो हमें जूम चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरह विजन एनहेंसमेंट में हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे कैमराज होते हैं, ऐसी ग्लासेस होती हैं जिनको हम पहन के कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट है या इमेजेस हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो हम देख रहे हैं, उसको वो जूम करके बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें क्या है, नाइट विजन गॉगल्स। नाइट विजन का मतलब है कि रात के टाइम अगर आप ये ग्लासेस पहनते हैं तो अंधेरे में देखें आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन जब नाइट विजन गॉगल्स आप पहनते हैं तो अंधेरे में भी आपको चीज़ें जूम करके बड़े साइज की नज़र आ रही थी और आप इजीली रात के टाइम उन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद है रोबोटिक्स। रोबोट्स का नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, रोबोट्स क्या होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन हैं जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, मशीन लेकिन इंसानों की तरह काम कर रही होती है। अब हम इनको ऐसे जगहों पे रोबोट्स को लगाते हैं जहाँ पे इंसान की जान को खतरा होता है। ठीक है, जैसे डिफ्यूजिंग लैंड माइंस, या बॉम्ब्स जहाँ पे हैं, अगर वहाँ पे हमने उनको बॉम्ब को या माइंस को नकारा बनाना है तो उस जगह पे हम ह्यूमन बीइंग की जगह रोबोट्स को भेजें। फायर फाइटिंग से कहीं आग लग गई है उस केस में भी हम अगर रोबोट्स को भेजें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के, आप स्पेस में जा रहे हैं और कोई डिफरेंट स्टार्स वगैरह की आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप भेज सकते हैं। और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, आप बहुत भारी चीज़ें उठानी है तो इंसान जो है वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर आप रोबोट या मशीन के थ्रू वो चीज़ें उठाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब आजकल क्या है कि रोबोट जो है वो इवन रेस्टोरेंट्स में एज अ वेटर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या है कि हमारी इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ में, कि हमारी जो वर्किंग है वो बहुत एफिशिएंट हो गई है, कोई भी काम जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, इंसान देखिए, अगर इंसान एक वेटर है, एक वेटर आप रेस्टोरेंट में एग्जाम्पल, एक वेटर है, अगर वो 8 से 10 घंटे काम करेगा तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर रोबोट को आप 24 घंटे भी काम पे लगाए रखेंगे वो नहीं थकेगा। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपका काम जहाँ एक इंसान 8 घंटे करता था वहाँ रोबोट आपके लिए वो काम पूरे 24 घंटे के लिए कर रहा होगा। कंप्यूटेड असिस्टेड ट्रांसलेशन, अब इसमें क्या है कि आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, इंग्लिश है, चाइनीज, जापानीज, ठीक है, वो सारी लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस को, हर लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन अगर कोई वेबसाइट आप खोलें और वो जर्मन में हो और आपको समझ नहीं आएगी कि उस पर क्या लिखा है, ठीक है, उसके लिए असिस्टेड ट्रांसलेशन हैं कि आप जैसे ही ओपन करते हैं, अगर गूगल में ओपन करें तो उसमें ऊपर ऑप्शन आ जाती है गूगल ट्रांसलेट का, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि जो भी टेक्स्ट अगर जर्मन में या इटालियन में लिखा हुआ है आप उसको किसी भी और लैंग्वेज में, इवन अरेबिक में भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा फायदा किसको होता है, जैसे टूरिस्ट आते हैं हमारे मुल्क में, कोई घूमने फिरने आया और उसको उर्दू नहीं आती, ठीक है, अगर हम उसको उर्दू में कोई चीज़ दें और बताएं और वो ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में पढ़ ले तो उसके लिए कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब डिफरेंट मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं जो आप अगर आप उर्दू में बोलें तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देते हैं, ट्रांसलेशन के डिफरेंट ऐप्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो आपके टूरिस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद है 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। डिस्प्लेस प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट एनिमेटिव सीक्वेंसेस 3D एनेबल सीमलेसली रियल ऑब्जेक्ट और एनिमेशन टू अपीयर टू द फ्लोट कम्प्लीटली फ्रीली इन स्पेस। अब क्या होता है होलोग्राफ नाम में, क्या होता है आपकी कोई भी मॉडल या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज जो है आपको उसकी इमेज आपको स्पेस में नजर आती है, मतलब कमरे के दरमियान में आपको इमेज नजर आती है। जैसे ये कार है, ठीक है, ये इसका एक मॉडल है, आप इसको 3D मॉडल है, इसको किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट टीवी एड्स में भी देखा होगा, ऐसे दिखाया जाता है कि सामने आपके पास कोई भी नया मॉडल या कोई भी नई चीज़ आई है तो उसको एक
इमेज में ये लेज़र की फॉर्म में उसको शेड, और ये सारी जो आपकी होलोग्राफिक इमेजेस होती हैं ये सारी आपकी लेज़र के थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जिस तरह बैटल फील्ड के अंदर अगर जंग में जा रहे हैं आप, जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो होलोग्राफिक मैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन मैप्स को देख के वो डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कि किस जगह पर जाना है। अब आपके पास मैप, फिजिकल मैप रखने की ज़रूरत नहीं है, होलोग्राफिक इमेजेस के थ्रू आप मैप्स को देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और कहाँ आपने हमला करना है वो आपको पता चल जाएगा। वर्चुअल रियलिटी, अब ये क्या है, ये कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन है, ठीक है। अब ये इसमें जितनी भी इमेजेस या इन्वायरमेंट बनेगा होलोग्राम में, तो वो लाइट के थ्रू या लेज़र के थ्रू आप इमेजेस क्रिएट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी में आप कंप्यूटर के जरिए अपने 3D इमेजेस या इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं, जिसके साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस तरह है कि अगर आपने ये कोई ग्लासेस पहनी हुई है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी के लिए यूज़ होती है। इसको देख के अगर ये एक डॉक्टर है और ये पूरे स्केलेटन को देख रही है, तो इसको टच करके, इसको मूव करके, इसके डिफरेंट पार्ट्स को देख सकती है, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्यूटर से जनरेट किया गया इमेज है, 3D इमेज है, 3D ऑब्जेक्ट है। आप इसके अंदर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा, इसको अगर आप चाहते हैं आप इसका हार्ट ओपन करके देखें या इसको क्लिक करें तो आपको कौन सा ऑर्गन नज़र आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी वर्चुअल रियलिटी के अंदर आती हैं। इसके अलावा गूगल के अंदर जो आपके पास गूगल, अगर google.com पे जाएं और आप वहाँ लिखें पांडा, पांडा, या आप लिखें जिराफ, तो आपके पास एक इमेज शो होता है, ठीक है। वो ऐप भी जो है वो आपकी वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन वो सिर्फ उस मोबाइल पे काम करेगी जिन मोबाइल के अंदर वर्चुअल रियलिटी की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पेशल ग्लासेस या स्पेशल कैमरा चाहिए होता है इन चीज़ों को देखने के लिए। अगर वो आपके डिवाइस के अंदर है तो वो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है, नॉर्मली आप मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा सेव करते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं और चले जाते हैं और आप अपना लैपटॉप नहीं लेके जाते, आपको अगर वो चीज़ चाहिए तो आप कैसे हासिल करेंगे, तो मुश्किल है ना, आपको दोबारा घर आना पड़ेगा और दोबारा वो डाटा लेकर जाना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आप अपना डाटा ऑन द इंटरनेट किसी सर्वर पर लिखते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, ठीक है, गूगल ड्राइव है या आई क्लाउड है, आप उस पर अपना डाटा रखते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी जगह पे होंगे, आप बस ने आपने बस अपना अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपका डाटा वहाँ मौजूद होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्लाउड स्टोरेज भी अपना डाटा रखना होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिस्टम यूनिट इज द केसिंग दैट कंटेन्स फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम है, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, टचपैड, एलसीडी, प्रिंटर, स्कैनर एंड जॉयस्टिक। ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने इसका ऑप्शन डी है, हम सब चीज़ें इसके साथ कनेक्ट करें। मदरबोर्ड इज मेन प्रिंटेड सर्किट इनसाइड सिस्टम यूनिट दैट कनेक्ट्स फॉलोइंग पेरिफेरल्स। अब पेरिफेरल्स कौन कौन सी हैं, CPU, मेमोरी एंड पावर सप्लाई, सी इसका ऑप्शन है। थर्ड आपका है रैम, स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी। फोर्थ मल्टीपल चॉइस है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर मेमोरी यूनिट्स, सबसे पहले किलोबाइट्स होता है, फिर मेगाबाइट्स होता है, फिर गीगाबाइट होता है और फिर टेराबाइट होता है। तो ये आपके पास सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नीचे ऑप्शन दिए हुए, 1 का ए, 2 का सी, 3 का सी, 4 का ए और 5 का। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है, आपने नीट कॉपी पे करना है और होमवर्क में सेंड करना है।